ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 100 शतम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये लाइव कक्षा होती है मित्रों, परंतु बाद में ये कक्षा देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर कभी भी कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। इस प्रकार से आज तक की पढ़ाई गई जो हमारी 99 क्लासेस हैं, 0 लेवल से संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए, उन सभी वीडियोज को कोई भी पाठक आज भी पढ़ सकता है, आगे 50 साल बाद भी पढ़ सकते हैं। इन सभी कक्षाओं को सीरीज से क्रमानुसार पढ़ने के लिए क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल को ऑन करना है और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाना है। उस प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा, उस कॉलम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो फर्स्ट वीडियो से लेकर के अभी तक पढ़ाई गई सारी वीडियो आप क्रम से अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय की अनुकूलता के अनुसार आराम से पढ़ सकते हैं निशुल्क। बहुत सारे हमारे पाठक अब जुड़ रहे हैं, आगे जुड़ेंगे, परंतु जो पाठक इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए जुड़े हैं और इस वीडियो को, इस कक्षा को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस पूरी सीरीज को फर्स्ट क्लास से लेकर के पढ़ना आरंभ कीजिएगा, तभी आपको ये कक्षाएं समझ में आएंगी। क्योंकि ये मैंने एक कोर्स तैयार किया है कि कोई भी व्यक्ति शून्य स्तर से शुद्ध संस्कृत को बोलना, लिखना तथा पढ़ करके समझना सीख सके, तदर्थ ये कोर्स तैयार कर दिया।
इस पूरे कोर्स को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से देववाणी संस्कृतम ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा और पढ़िएगा। परंतु हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप YouTube पर पढ़िएगा, YouTube पर पढ़ने का अलग आनंद आता है। जो भी मैं कोर्सेस तैयार कर रहा हूं YouTube पर, वो सभी कोर्सेस ऐप के अंदर भी स्थापित किए जा रहे हैं, ऐप के अंदर भी रखे जा रहे हैं, वहां पर भी बहुत सारे पाठक हमारे पढ़ते हैं। तो यदि आप नए हैं, आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कक्षा में देख पढ़ रहे हैं, तो आपको ये कक्षा हो सकता है समझ में नहीं आए, तो आप पीछे से पढ़ के आइएगा अपनी सुविधा के अनुसार। इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको केवल दो चीज चाहिए। पहली चीज चाहिए मित्रों आपको एक पेन, और दूसरी चीज चाहिए एक नोटबुक। एक पेन और एक नोटबुक, दो चीज आपको चाहिए बस, वो सबके पास में होती है। बस संस्कृत सीखना आरंभ कर दीजिएगा आप आराम से। हमने सब तो आपको बोल बोल के लिखाया है। तो मित्रों, ये 1 करोड़ लोगों को संस्कृत सिखाने के लिए कोर्स तैयार किया है। अब ये कोर्स समापन की तरफ चल रहा है, और हमारे कुछ पाठक यदि पुस्तकों को भी चाहते हैं, इस कोर्स के सहयोग के लिए हमें पुस्तक भी मिल जाए, तो वो पुस्तक मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप इन पुस्तकों को खरीदें। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमदी और रचनानुवाद कौमदी और प्रौढ़ रचनानुवाद कौमदी, ये 3 पुस्तक संस्कृत सीखने की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं। संस्कृत सीखने की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए आप इस व्हाट्सएप से संपर्क कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप दिया है 9582104261, और ये वेबसाइट है, वेबसाइट से आप अपने आप ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं, devvani-sanskritam.com वेबसाइट है। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं आगे। मैंने कल आपको कुछ समाज के बारे में बताया था, कुछ समाज की भूमिका आपको बताई थी, ठीक है। अब धीरे धीरे ये समाज का जो प्रकरण है थोड़ा सा जटिल है, ये जटिल है, हमने आपको बताया समाज का प्रकरण काफी कठिन प्रकरण है, परंतु आपका प्रवेश करा देंगे इस कोर्स में, कि आप समाज क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ आप अपने आप बनाने भी लग जाएंगे, ठीक है, ऐसे एक संस्कार अच्छा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये समास का इसमें हम प्रवेश कराएंगे इस कोर्स के माध्यम से। तो ये समास मैंने बताया था आपको कि ये पूरी परिभाषाएं लिखा दी हैं आपको मैंने, कि समास माने संक्षिप्त को बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना देना, और उसमें बीच की विभक्तियों को हटा करके उसमें एक विभक्ति को जोड़ना, ऐसा समास के माध्यम से होता है, और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, ठीक है। और इसके मैंने कई आपको भेद भी बताए थे, कुछ भेद बता दिए, कुछ भेद आगे मैं और बता दूंगा आपको, ठीक है। केवल मुख्य रूप से हमने 5 भेद आपको बताए थे, एक केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीही और द्वंद्व, ठीक है। इनके भी कुछ भेद होते हैं, कुछ का मैंने आपको बता दिया था, तत्पुरुष के 2 और भेद होते हैं, तत्पुरुष के और भी भेद हैं, तो सारे आगे मैं बता दूंगा आपको। ऐसे ही द्वंद्व के भी हैं, ठीक है। और अब अपनी कॉपी को तैयार कर लीजिएगा, अब लिखने का कार्य आपको करना है। चलिए, चलिए
हाँ लिखिएगा यहां पर ऐसे करके, ये डैश सा लगा करके इस प्रकार से लिखिएगा, कुछ और भी भेद होते हैं। कल मैंने आपको यहां तक लिखा दिया था कि द्वंद्व के दो भेद होते हैं, इतरेतर योग द्वंद्व समाहार द्वंद्व। उसके आगे एक छोटी सी पंक्ति और लिखिएगा, कुछ और भी भेद होते हैं। चलिएगा अब ये भेद आपको कुछ और होते हैं, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे तभी बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नंबर एक लिखिएगा। अब केवल समास है सबसे पहला हमारा, कौन सा है नंबर एक लिखिएगा, केवल समास। इस समास में समास तो होता है किंतु महर्षि पाणिनि ने इसकी कोई संज्ञा नहीं की। की है और कर लीजिए की है, नहीं की है, विराम लगा लीजिएगा। इसलिए इसे केवल समास कहते हैं। इसके उदाहरण बहुत ही कम हैं। जैसे भूतपूर्व बराबर लिखे पूर्वम भूता, देखिएगा मित्रों अब समझिएगा इसको। इस समास में समास तो होता है, अर्थात ये जो समास है केवल समास, इसमें हम समास करते हैं, शब्दों का समास करते हैं, कहने का अर्थ ये है। परंतु क्या होता है, इस समास को महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में कोई नाम नहीं दिया। जैसे अव्ययी भाव का नाम दिया है, तत्पुरुष का नाम दिया है,
है, द्विगु का दिया है, द्वंद्व का दिया है, बहुव्रीहि का दिया। परंतु महर्षि पाणिनि ने इस प्रकार के समास का कोई नाम नहीं रखा अपने शास्त्र के अंदर, अष्टाध्यायी के अंदर है। मूल व्याकरण तो ये अष्टाध्यायी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्याकरण के जो आचार्य गण हैं उन्होंने कहा महर्षि पाणिनि ने इसका कोई नाम नहीं रखा, तो हम कहते हैं ये केवल समास है अथवा सामान्य समास है, पर केवल समास के नाम से अधिक प्रसिद्धि है इसकी। ठीक है, इसके उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं, ये ध्यान देंगे, अधिक नहीं है। मैंने आपको एक उदाहरण दिखा दिया है, एक ऐसा उदाहरण दिखाया मैंने भूतपूर्वाहा। भूतपूर्वा का अर्थ होता है कि जो पहले हुआ अब नहीं है, यही तो है भाई। बोलते हैं भूतपूर्व विधायक, अर्थात पहले विधायक था अब नहीं है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अर्थात पहले मुख्यमंत्री थे अब मुख्यमंत्री नहीं है, हार गए। ऐसे ही भूतपूर्व माने पहले तो था पर अब नहीं है वो चीज, उसको क्या करते हैं हिंदी में भी बहुत प्रयोग है भूतपूर्व। अब भूतपूर्व इसको समास करने के लिए कोई सूत्र है नहीं, अलग से नाम नहीं रखा गया, तो इसका विग्रह कैसे करते हैं। ये विग्रह है माने इसका अर्थ हमें निकालना है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जो पहले था, क्या पहले था ये अर्थ है, है? तो क्या निकल, कैसा विग्रह करेंगे, पूर्वम भूतः। विग्रह हम कैसा करना पड़ेगा कि पूर्वम माने पहले, भूतः माने जो था अब नहीं है। अब इनका समास करेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, ये शब्द यहां पर आ जाएगा, ये शब्द इधर आ जाएगा, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, ये समास से जाएगा तो क्या बन जाएगा, भूतपूर्व। इस प्रकार से कुछ गिने चुने उदाहरण ही हमें मिलते हैं। एक उदाहरण मैंने दिखा दिया, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भूतपूर्व का आप विग्रह भी कर लाएंगे, ये क्या है, विग्रह है, पूर्वम भूताः माने भूतपूर्व जो पहले था अब नहीं है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भूत पहले था अब नहीं है, अतः भूत माने जो भूत चुड़ैल, वो वाला भूत नहीं है कोई है? भूत माने बीता हुआ। कथा प्रत्यय आपको मैंने पढ़ाया, कथा प्रत्यय किसमें होता है, भूत अर्थ में। कौन सा भूत, बीता हुआ काल। ठीक है, वो पीपल के पेड़ वाला भूत नहीं है, पीपल के पेड़ पर कोई भूत नहीं होता है, केवल हमारी मानसिकता को कमजोर कर दिया जाता है, है? इतनी मानसिकता को कमजोर कर दिया जाता है हमारी कि पीपल के पत्ते हिलने की आवाज से हमको लगता है कि पीपल पर भूत है, लोग डर जाते हैं, कहते हैं भाई पीपल पर तो भूत है, शमशान में भूत है, भूत कहीं नहीं है, भूत तो सब जगह है, भूत तो सब जगह है, भूत तो सबका होता है, हमारा भी भूत है, आपका भी भूत है, है? सभी का भूत होता है, जड़ चेतन सबका भूत होता है। ठीक, भूत प्रेत नाम का कोई भी नहीं है, तो अपने मस्तिष्क को बलवान बनाइएगा, डरने वाला मस्तिष्क मत बनाइएगा, नहीं तो हर कोई डरा देगा आपको, आपको डरा करके ठग लेगा, कहेगा लाओ भूत उतारते हैं आपका, भूत उतारते हैं, लाओ पैसे। ठीक है, और आप देंगे पैसे, भूत उतर जाएगा, जब भूत है ही नहीं तो उतरेगा क्या। चलिएगा, आइएगा मित्रों, ये आपका मैंने बता दिया, केवल समास समझा दिया। अब नंबर दो पर आइएगा। नंबर दो में आता है हमारा अव्ययी भाव समास। ये थोड़ा सा कठिन भी है, पर धीरे धीरे आपको एक दो कक्षाओं में हम पूरा करा देंगे। ठीक है, लिखिएगा अव्ययी भाव समासाः।
लिखिए, एक लिखिएगा यहां पर इन्वर्टेड कोमा लगा करके, पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी अव्ययी भावः, पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः, इन्वर्टेड कोमा लगा लीजिएगा दोनों तरफ से। लिखिए इसी के आगे, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता बताने वाला अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अव्ययी भाव समास की दूसरी पहचान यह है कि इसमें प्रथम शब्द अव्यय कोष्ठक में लिखिएगा उपसर्ग बीच में लाइन डाल के निपात कोष्ठक बंद कर दीजिएगा होता है। तथा दूसरा शब्द संज्ञा शब्द होता है। अव्ययी भाव समास वाले ह्रस्व अकारांत शब्द नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहते हैं। आकार से भिन्न स्वर अंत वाले अव्ययी भाव समास अव्यय बन जाते हैं।
अतः इनके रूप नहीं चलते हैं। ठीक है, चलिएगा और लिखिएगा थोड़ा सा, यहां लिखिएगा ऐसे आगे नया पैराग्राफ चालू करके, नया पैराग्राफ। अव्ययी भाव समास नित्य ही होता है, इसके विग्रह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उपाग्रामम कोष्ठक में लिखिएगा, उपाग्रामस्य कोष्ठक बंद कर लीजिएगा, चलिएगा। अब इसको समझिएगा, ये अव्ययी भाव समास तो मैंने अब आपको प्रवेश करा रहा हूं, मैंने पहले ही कहा था आपको गैर पूर्वक आपको लिखते जाना है, समझते जाना है, जितना मैं आपको बताता जा रहा हूं उतना ही समझिएगा, ठीक है। थोड़ा कम समझ में आता है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो कुछ चीजें जटिल होती हैं उनके प्रवेश करने में थोड़ी मन हिलता डुलता है, पर उसको मन को लगा के रखना है, ठीक है, चलिएगा। अब समझिएगा क्या काम है ने, जो अव्ययी भाव समास होता है उसकी हमारे आचार्यों ने एक पहचान बताई। पहली पहचान ये बताई कि पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः, जिस समास के अंदर, समास दो शब्दों में होगा कम से कम, दो से अधिक में भी होगा, जो पहले वाला शब्द होता है उसको बोलते हैं पूर्व पद, ध्यान दे रखिएगा, ये बात आपको समझनी होगी। जैसे ये राज पुरुष का मैंने आपको पिछली कक्षा में उदाहरण दिया था, ये क्या है, एक समास्त पद है, आगे पढ़ेंगे इसको। इसमें दो शब्द हैं, कौन सा, एक राज, राजन था राजा, और एक पुरुष था। तो इसमें जो पहला वाला शब्द है इसको बोलते हैं पढ़ाने की भाषा में, पढ़ाते समय या समझाते समय पूर्व पद, क्या बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं पूर्व पद, जो समास में पहले होता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्व पद, और जो बाद में होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। अब क्लियर हो गया, अब मैं आगे बोलूंगा बार बार, पूर्व पद उत्तर पद, आपको क्या समझना है, जो पहला वाला शब्द है वो तो पूर्व पद होता है, और जो बाद वाला शब्द है वो क्या होता है, बोलो उत्तर पद, ठीक है, क्लियर। चलिए तो क्या है, अव्ययी भाव समास की हम पहचान कैसे करें, तो ये एक परिभाषा बनाई कि हमें जिस समास के अंदर, कई शब्दों का समास होता है, दो का होता है मानिएगा, तो दोनों में से जो जो समास करने के बाद जो उसका मुख्य रूप से अर्थ सामने आ रहा हो है, वो प्रधान अर्थ होता है।
अव्ययी भाव समास में कहा कि यदि ऐसा समास है जिसके समास होने पर जिन शब्दों का समास हुआ है उनमें से पहला जो शब्द है उसका अर्थ प्रकट हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप देखिएगा राजपुरुषः, इसमें राजपुरुष हम जब कहते हैं तो किसका बोध होता है, पुरुष का बोध होता है। राजा माने हम कहते हैं राजपुरुष को लाओ, तो किसको लाएंगे, राजा को नहीं लाएंगे, किसको लाएंगे, पुरुष को लाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों शब्दों का समास हुआ है, परंतु समास होने के बाद में जो अर्थ आ रहा है निकल करके मुख्य रूप से है, मुख्य रूप से वो क्या अर्थ आ रहा है, पुरुष आ रहा है। हाँ, इसका अर्थ गौण हो गया माने कम हो गया। हाँ, पुरुष कैसा चाहिए, राजा से संबंधित पुरुष चाहिए। तो इसमें क्या है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है, बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता है, इसके गौण है। ठीक इसके विपरीत आपको उदाहरण आगे बताएंगे कि कुछ में क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया उपग्रामम, ये उपग्रामम अभी आपको लिखाया था, इसका अर्थ होता है गांव के समीप, गांव नहीं, गांव के समीप, समझ में आ रहा। अब यहां पर क्या है, जो उप का या उप का अर्थ है समीप, वास्तव में उप है जो उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या है, समीप। और गांव उपग्रामम कहने से हमें क्या बोध हो रहा है, गांव के समीप, हम कह रहे हैं समीप अर्थ की मुख्यता है, है? हम बोलेंगे उपग्रामम गच्छति, माने उपग्रामम गच्छति का अर्थ क्या है, गांव के समीप जा रहा है, गांव में नहीं जा रहा, गांव को नहीं जा रहा, गांव के समीप जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, ये पूर्व पद है उप, तो इसके अर्थ की सहायता प्रधानता, इसलिए हम समझ जाएंगे एक ऐसा समास है अव्ययी भाव समास है, और ये इसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है, तो हम समझ जाएंगे ये अव्ययी भाव समास नहीं है। कौन सा है, ये आगे पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, यही मैंने आपको बात समझाई, इसमें लिखा हुआ है पूर्व पदार्थ प्रधान, मतलब पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता वाला जो समास होता है वो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होता है। अब आप आराम से अपने छात्रों को, छात्राओं को समझा सकते हैं, समझा सकते हैं, ये पक्का मैं कहता हूं आपसे। चलिएगा आगे, तो यही कहा पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता बताने वाला अव्ययी भाव समास होता है। और इसकी दूसरी पहचान, दूसरी माने और एक और पहचान, इसमें जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद होता है, पूर्व पदवाची शब्द होता है, वो क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, इसमें जो प्रथम शब्द होता है, प्रथम माने पूर्व पद होता है, वो अव्यय होता है। अव्यय के अंदर उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग मैंने आपको बताए 22 उपसर्ग आपको पढ़ाए थे, 22 उपसर्ग थे प्र परा आंग आदि, और निपात आपको मैंने नहीं पढ़ाए हैं, निपात आपको नहीं पढ़ाए हैं, तो निपात भी अव्यय होते हैं, ये भी निपात आप आगे पढ़ेंगे, जब व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको आएगा, ठीक है। तो पहला शब्द जो अव्ययी भाव समास में होता है वो क्या होता है, अव्यय, और जो दूसरा शब्द होता है वो क्या होता है, संज्ञावाची शब्द। क्या लिखाया मैंने आपको, संज्ञा बाद वाला शब्द, संज्ञा माने नामवाची शब्द होता है। संज्ञाएं तो कई प्रकार की होती हैं,
तो वो संज्ञावाची शब्द होता है, ये एक पहचान होती है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था, देख लीजिएगा, आपको हर बात घटा घटा करके उसमें बता दूंगा। ये उपग्राम ये दिया मैंने आपको, यहां पर क्या है, पूर्व वाला शब्द ये उप, ये क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है, ये अव्यय है। और ग्राम शब्द क्या है, संज्ञावाची नामवाची है भाई, किसी का नाम है, गांव का नाम है ये, जातिवाची संज्ञा है, वास्तव में आप देखेंगे जातिवाची संज्ञा है। तो क्या है ग्राम, तो ये संज्ञावाची शब्द है। अब ये पूरा घट गया इसमें नियम, अव्ययीभाव समास है, पहचान लिया आपने झट से, चलिएगा। और अव्ययीभाव समास में क्या करना होता है, अव्ययीभाव समास वाले जो अंतिम शब्द होता है, अव्ययीभाव समास करेंगे दो शब्दों का, जो अंतिम शब्द होगा यदि उसका अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण यदि ह्रस्व आकार होगा, क्या है, ह्रस्व आकार, तो उस पूरे समास को क्या है नपुंसक लिंग एकवचन में उसका रूप चलता है। जैसे मैंने आपको ये है, जैसे उप ग्रामम, देखिएगा उपग्राम ये है, ग्राम शब्द क्या है, ह्रस्वकारांत है, तो ये पूरा कैसा हो गया, अव्ययीभाव समास ह्रस्वकारांत हो गया। अब ये नपुंसक लिंग एक वचन में इसका रूप चलेगा, नपुंसक लिंग एक वचन में ह्रस्वकारांत के रूप कैसे चलते हैं, जल के समान, कैसे चलते हैं, जल के समान, गृह के समान। तो इसलिए क्या बन गया था, हमने बना दिया था उपग्रामम, बस ऐसा ही रहेगा ये, उपग्रामम 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 ऐसा ही चलेगा ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यदि अंत में ह्रस्वकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यदि अंत में ह्रस्वकार नहीं है, कोई दूसरा वर्ण है, दीर्घ आ कभी नहीं मिलेगा आपको, क्या, दीर्घ आ कभी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, ह्रस्व ई मिल सकता है, ह्रस्व ऊ मिल सकता है, ह्रस्व री मिल सकता है, दीर्घ नहीं मिलेगा कहीं पर भी, क्या दीर्घ मिलेगा नहीं कोई वर्ण अंत में, ठीक है। तो उसको क्या है कहते हैं कि आकार से भिन्न यदि स्वर अंत वाला है कोई, माने आकार के अलावा ह्रस्व ई है अंत में, अथवा ऊ है अंत में, अथवा री है अंत में, ठीक है, अथवा बस यही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ये तीन प्रकार के वर्ण ही मिलेंगे अंत में, और चौथा ये मिलेगा उसको तो बता ही दिया। तो क्या होता है, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, उनका रूप नहीं चलता है, वो अव्ययी भाव समास क्या है, अव्यय बन जाता है, अव्यय का रूप नहीं चलता ना, आपको बताया पहले, तत्र कुत्र है यत्र है के रूप कहां चलते हैं, अव्यय, तो वो अव्ययी भाव समास अव्ययी बन जाता है, क्या बन जाता है बोलो, अव्यय है, तो वो अव्यय बन जाता है, तो ये अव्यय बन जाते हैं। ये मैं आपको आगे जब उदाहरण दिखाऊंगा आगे की कक्षाओं में तब आपको समझ में आएगा, अभी समझ लीजिएगा मोटा मोटा, का अव्यय बन जाते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं, फिर उसके रूप नहीं चलते। और देखिएगा अंतिम पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, अव्ययी भाव समास कैसा होता है, ये नित्य ही समास प्रयोग होता है, इसके विग्रह का प्रयोग नहीं होता है। अव्ययी भाव समास से भिन्न जो समास है हम पढ़ाएंगे आपको, उनका विग्रह का भी प्रयोग होता है और समास करके भी प्रयोग होता है।
परंतु अव्ययी भाव समास होता है उसका विग्रह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उपग्रामम का यदि विग्रह करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे शब्दों को, तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा उपग्रामस्य, ऐसा बनता है उपग्रामस्य। ठीक है, तो इसका प्रयोग आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना आपको करना है। हमेशा आपको ऐसा ही प्रयोग मिलेगा, ऐसा ही प्रयोग करना है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नित्य, नित्य ही होता है, हमेशा ये समास हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, अब मैं अगली कक्षा में आपको अव्ययी भाव समास के उदाहरण दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि पूरी कक्षा में आपको उदाहरण सारे दिखा दूं। ठीक है, जितने हो सकते हैं प्राथमिक स्तर के लिए, पूरे नहीं बताऊंगा मैं आपको, प्राथमिक स्तर के उदाहरण मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उससे आपका काफी बन जाएगा, फिर आगे तो पढ़ेंगे। चलिए, तो चलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इस कोर्स को पढ़िएगा, ये सभी प्रकार के पाठकों के लिए बहुत उपयोगी कोर्स मैंने बहुत परिश्रम से तैयार किया है। मेरे पाठक जो मेरे साथ में आरंभ से इस कोर्स से जुड़े हुए हैं, वो समझ सकते हैं कि मैंने इस कोर्स को बनाने के लिए कितना परिश्रम किया है, कितना परिश्रम किया है। एक यूनिक कोर्स बनाया है अपने पाठकों के लिए और निःशुल्क सेवा भाव से। चलिएगा, प्लेलिस्ट में जो भी नए पाठक हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का कॉलम पर क्लिक करके आरंभ से क्रमानुसार सभी वीडियोज को पढ़ें। वीडियोज को स्किप ना करें, स्किप करने से यदि कोई भी चीज आपकी छूट गई तो आप के पीछे का पड़ा हुआ निरर्थक जा सकता है। इसलिए आपको हर बात को, वीडियो को पूरा का पूरा सुनना है, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। ये गाने की वीडियो नहीं है, स्टोरीज की वीडियो नहीं है। ठीक है, ये एक संस्कृत शिक्षण के कोर्स की वीडियो है। चलिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा कोर्स को। सर्वेभ्यो नमः।